हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग वील स्टडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शनलिटीज पढ़ेंगे। सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर होता क्या है, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पाइथन दैट कंटेन्स अ मॉड्यूल फॉर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनलिटीज। सो फर्स्ट इफ यू टॉक द थिंग्स ऑफ दिस, तो आवर फर्स्ट मॉड्यूल इज मैथ मॉड्यूल सो मैथ मॉड्यूल इज विच प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शंस टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। सो फ्रेंड्स मैथमेटिकल फंक्शंस इट्स प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शंस टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। अनदर वन इज सी मैथ मॉड्यूल। तो दिस प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द सेकेंड वन। नाउ अनादर विल टॉक अबाउट थर्ड फंक्शन, रेंडम मॉड्यूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड फंक्शंस फॉर जनरेटिंग स्यूडो रैंडम नंबर्स। अनदर वन विल टॉक नेक्स्ट लाइब्रेरी इज स्टैटिक मॉड्यूल। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ये मॉड्यूल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक यानी मैथमेटिकल स्टैटिक फंक्शंस प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो URLLIB यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लाइब्रेरी, ऐसा मॉड्यूल जिससे हम वेब ब्राउजर को भी ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो URLVI प्रोवाइड्स URL हैंडलिंग फंक्शंस सो दैट यू कैन एक्सेस वेबसाइट्स फ्रॉम विद इन योर प्रोग्राम प्रोग्राम्स। सो फ्रेंड्स दिस इज द आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड नाउ वी टॉक डिफरेंट NumPy मॉड्यूल लाइब्रेरी। सो NumPy लाइब्रेरी मेनली इज डूइंग एडवांस मैथ फंक्शनलिटीज along with tools create and manipulate numeric arrays। Now we'll talk next topic sci-fi library। These are the very important when you are working on Python programming। So this is another useful library that offers algorithmic and mathematical
टूल्स फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड नेक्स्ट इज टिक इंटर लाइब्रेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू परफॉर्म जीयूआई ग्राफिक्स टूल्स एनीथिंग तो यू हैव टू यूज टिक इंटर सो दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स पाइथन यूजर इंटरफेस टूल किट एंड हेल्प्स यू टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली जीयूआई इंटरफेस फॉर different types of applications. So friends, this is the tkinter library provides the Python user interface toolkit and helps you to create a user friendly GUI interface for different types of applications. Now next one is very important. Next one is also matplotlib. Yesterday I just explained and today I just define the things. This library functions offers many functions and tools to produce quality output variety of formats such as charts and graphs. So friends, this is the Python standard library. So I just explained what is the math module provide the mathematical calculation functions. CMath provide the mathematical function for complex number. Random module provide the function generate the pseudo random numbers. Now static module provide mathematical standard function. Urllib module provide handling functions so that you can access website from your with your program. NumPy advanced math functionalities along with tools to create and manipulate numeric arrays. SciFi library algorithmic and mathematical tools for a scientific calculation. Tkinter provide the Python tool user interface toolkit GUI interface of different type of application. And now matplotlib provide the functionality tools produce the quality output in variety of फॉर्मेट जैसे लगे चार्ट एंड ग्राफ्स के डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पाइथन का स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें, जस्ट आई वांट टू शो यू व्हाट इज द पाइथन स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन मॉड्यूल, यानी कि पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा. स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, अगर हम इसकी बात करें कि पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होगा, डीओसी डॉक स्ट्रिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, जो कि किसमें होगी, ट्रिपल क्वोट कमेंट्स में होगी. अगर हम दूसरी बात करें आपकी, यानी कि ट्रिपल क्वोट्स कमेंट इस तरह का, ओके, these are the triple quote commands. Now next is the variables and constants. So variable and constant mein kya hoga, label or dot, label for data, label kiske liye hogi, data ke liye. Ab baat karte hain classes ki, to classes mein kya hoga, isme classes mein classes is the template ya blueprint, template either prints to create objects of a certain kind. So friends, little bit theory, then I'll explain the examples
this is the structure of Python module. Now next one is objects. So what is the objects? Instance of class. Instances of class says in general terms में बोल सकते हैं कि representation of some real or abstract entity. Now next one is statement. स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है आई एन एस टी आर यू इंस्ट्रक्शंस होते हैं. एंड लास्ट वन इज द फंक्शंस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल. नेम्ड ग्रुप इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शंस. सो फ्रेंड्स दिस इज द बेसिक फीचर्स दैट मीन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल. Different mathematical function already yesterday we did. So but I'll just tell you one special example for this. Conversion functions between FAHRENHEIT and centigrade. So friends हम इस function की बात करेंगे कि किस तरह से बनेगा. तो सबसे पहले define function किसमें टू सेंटी वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ एंटर. नाउ रिटर्न्स डॉग स्ट्रिंग लगा देते हैं. रिटर्न्स एक्स कन्वर्टेड टू सेंटीग्रेड. गुड फ्रेंड्स. तो आर ई टी यू आर एन डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग वी ऑलरेडी return s return 5 star x minus 32 divided by 9.0. this is the formula of centigrade. Now next is defined 2 fa fahrenheit. Now x next one document string returns x converted Fahrenheit. Okay friends, now I've changed the formula. Return 9 star x divided by 5.0 plus 32. So this is the our formula. And friends, some conditions is there कि freezing size of centigrade 0.0 and freezing size of Fahrenheit 32. something. So let's have a try this function. It will work in valid syntax because two column I put it. Okay. Now execute my function. That means, so I just try to execute to see. CENTI centi of value 47. Okay, now print and let's try. So this is the output of Fahrenheit centigrade. And if I try to Fahrenheit FAHREN and I just give 84 and see the output 183. So friends, are you getting how can we make functions on this import module? That means just so friends, just understand the things. How can we calculate
name of the module. Suppose we are making a module, so first we just decide the name of the module. Suppose my module name is stem curvegen.py already here, and module file name stem curvegen ho gaya. Two functions, two constraint and two docker strings. Centigrade, fridging, different type of functions we are hearing, so we can create easily. So now I'll just move next part of some built-in functions. Already we discuss hexa to octa conversion already I'll tell you, but I want to tell you one more thing today. So friends, I want just tell you mathematical and string functions. Example, I'll tell you mathematical and string function example. So mathematical and string functions example. So my program is WAP, write a program that READS reads a number, then converts it into octal and hexadecimal equivalent numbers using built-in functions of Python. So friends, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि कन्वर्ट कर दे किसको, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट नंबर के बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हो. तो सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स. एक वेरिएबल लेना है नंबर, उसको वैल्यू असाइन कर देना, एक इनपुट ले लेना है. दीज आर द इनपुट वैल्यू एंड नाउ एंटर अ नंबर. ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला टास्क एंटर अ नंबर. नाउ सेकेंड टास्क इंटीजर, प्रिंट कमांड इज हियर. प्रिंट कमांड में क्या लिखना है फ्रेंड्स, नंबर एंटर्ड कॉमा नंबर. सो नंबर जो एंटर है वो कॉमा के साथ यहां प्रिंट हो जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट ऑक्टल नंबर के लिए ओ नंबर वी आर टेकिंग ओ सी टी एन यू एम. सो ओ नम ऑक्टल नंबर्स. ओके नाउ एच नम इज इक्वल्स टू एच ई एक्स नंबर. ओके नाउ प्रिंट कमांड वंस अगेन एंड ओ सी टी एल ऑक्टल कन्वर्जन यील्ड्स ओ नम. नाउ कॉपी एंड देन पेस्ट. ओके और दिस इज द एच नम एंड दिस इज द एच ई एक्स ए डेसिमल कन्वर्जन. सो फ्रेंड्स नाउ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड आई जस्ट एंटर अ नंबर ऑफ 17 एंड सी द आउटपुट. माय एंटर नंबर 17 बट ऑक्टल कन्वर्जन वैल्यू 0 or 21 एंड हेक्सा कन्वर्जन 0x11. सो दिस इज द माय ऑक्टल कन्वर्जन वैल्यू. इफ यू वांट टू चेंज नो इशू, आई जस्ट पुट इट 13 एंड इशू इज द एंटर. ओके 0 or 15 एंड 0xd. ओके सो 13 को डी में लिखा जाता है, 14 को ई और 15 को एफ लिखा जाता है. सो दिस इज द ऑक्टल कन्वर्जन. सो फ्रेंड्स दिस इज द गुड एंड वी आर स्टडी अवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू आर अ लाइब्रेरी.
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन प्रोग्रामिंग, यूजिंग URL library and browser modules. So friends, just wait a minute and I just use a markdown. Now I just give the definition. Python module, URL lib, using you can send HTTP request and receive the result from within your Python program to use URL lib in your program to get details about a websites. So friends, हमें कौन सी फाइल चाहिए? Import URL lib header file. We'll have to import this header file. Then it is very important header file. Okay, import URL. Then you can access to output. So URL library, web browser modules, Python modules, URL lib, using you can send HTTP request. So I'm just writing import URL lib. URL lib import, then import web browser, then web URL it goes to URL lib dot request dot URL open supports HTTP www.google.com. Then okay, so friends, this is the URL whatever you are. Now HTML it goes to web URL dot read. Now data is equals to web URL dot get code, and next function is URL, then web URL dot get URL, get code ke baad get URL, and then URL is the object. Now web URL dot, sorry, already we are using get URL. Okay, sprint HD to web URL dot HEADERS headers information is equals to web URL dot IN info and print the URL as is comma URL. Now first my URL print. Now next is print HTTP STATUS status code
एस डी ए टी ए, ओके डी ए टी ए। नेक्स्ट प्रिंट कमांड इज हियर, हेडर्स रिटर्न इज नाउ एच डी। नाउ प्रिंट कमांड द इंफॉर्मेशन आर ई टी यू आर एन ई डी रिटर्न इज आई एन एफ। न्यू लाइन रिमार्क। नाउ प्रिंट, नाउ ओपनिंग द URL, URL, and now next web browser dot open new open underscore new then URL. This is our code, friends. So first understand the things, everything. So I start a net and then you can see that our next. Okay, so first understand our code. Okay, so first import the header files. Okay, so import files. Both are the two header files, web browser and URL lib. Now create object web URL, then access the URL library object dot request dot URL open URL name, then HTML types web URL read, okay, data web URL get code, यानी कि data जो है उस object से get code करे data में। URL के अंदर क्या आ जाए, get URL आ जाए, किसके through, वेब यू आर एल के थ्रू, और एवरीथिंग शुड बी वेब यू आर एल, यानी कि वेब यू आर एल इज अ कॉमन। नाउ एच डी हेडर फॉर वेब यू आर एल डॉट हेडर्स, इन्फो दैट वेब यू आर एल डॉट इन्फो। नाउ प्रिंट कमांड, दिस इज द यू आर एल, यू आर एल प्रिंट। नाउ नेक्स्ट वन डेटा प्रिंट, नाउ नेक्स्ट वन हेडर प्रिंट, देन इन्फो प्रिंट, देन यू आर एल प्रिंट, देन वेब ब्राउजर डॉट ओपन न्यू यू आर एल। सो शैल बी एग्जीक्यूट, देन सी आउटपुट error. So what should be error? Web URL dot headers, we write a wrong H E A D, H E A D E R S, this is the headers. Okay, so friends, now you can see that this is the URL for HTTP status code, and you can see that automatically start your URL google.com. This is the power of Python. If NAT is working, that it will be show the output Google and internet access, so that means showing. So I'll just watch. So the URL of HTTP, this HTTP status code 200 header return is that Friday 22nd May, this time expire manual case control private max age contain type this everything, each and every report just showing of this code information return is that Friday buys expire case control max. So you can see the information, all the things. Now opening the URL is true, and that is the URL is open. So we'll just try once again, it will be working or not. Manually you can do, otherwise automatically you can see that. Okay, so friends, till now please like, share and subscribe my channel, and this is the everything except encoding, connection close, transfer encoding and chunks. So it may be a network problem or anything else,
that it will be open. I think this is the network, not a network problem. I just use of that port. So that maybe Google doesn't have this port need. Okay, so we just try okay directly. And now cursor is moving. Then I think you are understand how can we access the this code. Okay, wait, cursor is moving. Wait. So it will be compatibility error. What is the error? Encode chunk has the header transfer encoding already running, so I think it will give the error, URL error, because a connection attempt failed because our connected party did not properly respond after a period of time. So that means my net is not working. I think my net has been finished, so that may be a problem is having. So tomorrow Alex is not issue. I think it's till 11:30 and my net is not working, so we cannot see the output. I think so, wait and watch what will be the error then. Okay, so we'll have to pause this code again, then it will be executable. Okay, so it is mandatory of this conditions, and it will be show the code everything. And it's nice program, you can see that things. This code is very important for web programming, web browser programming. In that case, I think window error, timeout error during handle of the above exceptions. Okay, so web URL, request timeout error. Wait a minute. So friends, my another network is working, so you can see that our output automatically, this is the XFrame access for options URL code is here, and when I press of this color it will be available. And you want to see the again, so you just click, that will be show automatically, Google will be display. So all things depend on my net. So have a nice day. Thank you. Please watch my channel, like and subscribe. Thank you. Have a nice day.